राजस्थान कांग्रेस में सियासी उथल पुथल शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के जयपुर आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लंबी मंत्रणा करने के बाद वापस दिल्ली जाने के बाद राजनीतिक हलकों में मंत्रिमंडल विस्तार व प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा से पहले राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने 3 दिन तक राजस्थान में कांग्रेस व समर्थक दलों के लगभग 115 विधायकों से चर्चा की और अपनी रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने यह रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी को सौंप दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की है। कुछ मामलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समस्त नहीं होने पर सोनिया गांधी के भरोसेमंद पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा को उनसे मिलने के लिए रविवार रात को जयपुर भेजा। उन्होंने रात को ही मुख्यमंत्री से लंबी मंत्रणा करने के बाद सोमवार को सुबह वापस दिल्ली पहुंच गई। उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दी है। माना जा रहा है कि शीघ्र ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख घोषित होगी। प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्षों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। इस बीच राजनीतिक दलों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का केवल विस्तार चाहते हैं, न कि फेरबदल, इसलिए इस पर असमंजस की स्थिति बनी है। उसकी असलियत की स्थिति को दूर करने के लिए कुमारी शैलजा जयपुर उनसे मिलने पहुंची थी। अब बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में 4 से 5 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ सचिन पायलट को भी नई जिम्मेदारी दी जा सकती है।